आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ व्याख्याता पंचायत परीक्षा 2017 पर पूछे गए कुछ क्वेश्चन के बारे में। दो प्रकार का क्वेश्चन हुआ था, एक नगर निगम के लिए, दूसरा था शिक्षा विभाग के लिए। नगर निगम पर पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है और छत्तीसगढ़ व्याख्याता पंचायत परीक्षा शिक्षा विभाग के लिए एक और वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप जाकर प्ले लिस्ट पर सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज का ये वीडियो आगे का क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा। आज का इस वीडियो आगे के क्वेश्चन पर रहेगा, इस पर आधारित रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश साहू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री पर स्वागत है। तो लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो 47 नंबर का आगे का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसमें यह क्वेश्चन दिया गया है I3- का सेट क्या होगा। I3- इसका आपको क्या बताना है, शेप बताना है, कैसा रहेगा, इस मतलब इसका ज्योमेट्री आपको डिसाइड करना है। तो अगर नगर निगम परीक्षा का वीडियो देखे होंगे आप, उस पर जो क्वेश्चन बनाया था, तो उस पर भी आपको ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे। उसको किस प्रकार से सॉल्व किया हूं आपको थोड़ा बहुत देखे होंगे तो पता ही होगा। मेरा सॉल्व करने का टेक्निक यहाँ पर ज्योमेट्री निकालने का तरीका कुछ अलग रहता है और मैं किस कैसे निकालता हूँ देखिए। यहाँ पर आयोडीन ही सेंट्रल एटम होगा और आई ही यहाँ पर सब्सिडियरी एटम भी होगा, ठीक। तो आई को मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, सेंट्रल एटम लेता हूँ और इस पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लेविस स्ट्रक्चर के रूप में हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता होगा हैलोजन ग्रुप पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या होती है 7। तो यहाँ पर मैं 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेता हूँ, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद यहाँ पर कितना हैलोजन और है, मतलब यहाँ पर जो सब्सिडियरी एटम है उससे हम इस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ओवरलैपिंग कराते हुए चलते हैं। आपको पता ही होगा हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, तो एक आयोडीन के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और दूसरे आयोडीन के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। लेकिन ध्यान में ये रखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से I3- नहीं है, ये I3 मॉलिक्यूल है और ये माइनस चार्ज, सिंगल माइनस चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पर एक सिंगल माइनस चार्ज है, उसके कारण से एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर और ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। ये माइनस चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन और ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर लोन पेयर की संख्या बनाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा को हम क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको 3 लोन पेयर दिख रहा होगा और 2 बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा। तो बॉन्ड पेयर की संख्या यहाँ पर 2 हो रही है, 1, 2, और ये लोन पेयर की संख्या यहाँ पर 1, 2, 3। टोटल मिलाकर कितना मिल रहा है मेरे को, 5। ये 5 आपको क्या बताएगा, अब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के बारे में जानकारी देगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 नंबर, 5 जिस कौन सा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने को प्राप्त में होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं sp3 करते हैं तो 4, और अगर यहाँ पर मैं डी लगा देता हूँ तो 5, ठीक। ऐसा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा रेगुलर जियोमेट्री बनता है, तो रेगुलर जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है जिसके लिए कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब ध्यान यहाँ पर इस प्रकार से देना है, अगर यहाँ पर सेंट्रल एटम में 5 सब्सिडियरी एटम होता तो ये 5 सब्सिडियरी एटम यहाँ पर, ये 3, 4, 5 करके यहाँ पर ये पोजीशन को क्या कर लेते, ऑक्यूपाई कर लेते, वहां पर जाकर बैठ जाता। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक। तो अपने को ऐसा ड्रॉ करना है, सबसे पहले लोन पेयर को प्रिफर करना है, लोन पेयर को वहां पर प्रिफर करना है जहां पर स्ट्रक्चर समतल में आता हो, ठीक। जैसे कि अगर ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में भी कुछ इस प्रकार से होता है, ये 4 एक समतल पर रहता है और ये 2 इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो हम जो लोन पेयर होता है उसको प्लेन पर पहले अरेंज करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा, 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब उसके बाद जो 2 बॉन्ड पेयर बचता है उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आई और ये आई। सेंट्रल एटम क्या था, आई, जो कि यहाँ पर मैं पहले बैठा देता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान, फिर उसके बाद ध्यान देना है अपने को, बॉन्ड पेयर के कारण से ही ज्योमेट्री मिलेगा, लोन पेयर के कारण से कोई ज्योमेट्री नहीं मिलेगा। तो आप जो लोन पेयर है वहां को इग्नोर करते हुए चलिए। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक। आपको इग्नोर करना है यहाँ पर। तो आपको ये कैसा आप डायग्राम दिखा है,
लीनियर सी। ठीक, आप सही पकड़ रहे हैं, यहां पर कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है आपको, लीनियर से। ठीक, तो इसके लिए जो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, लीनियर। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें समतल समतलित त्रिकोणीय भी दिया हुआ है, रेखीय दिया है, कोणीय दिया है और वी शेप का दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर वी शेप का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो लोन पेयर है, समतल में रखे हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए समतल में है और एक दूसरे से क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इस कारण से बॉन्ड पेयर पर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, इस कारण से इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा लीनियर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें बोला गया है विच इज ऑप्टेन ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड से हम ट्रीट करेंगे इसको, फिनॉल को, फिनॉल को जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हम ट्रीट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, ये चार ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से हम ट्रीट करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेट HNO3 से ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक, दो क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से मिल सकते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसका रेजोनेंस पर चलते हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक, यहां पर मैं डबल बॉन्ड से अब समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ये OH यहां पर दिखिए आप, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें देखते हैं इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर डायरेक्टली किस पर अटैच है, इसी पर अटैच होता है। ये क्या करेगा, यहां पर ये जो लोन पेयर होता है इसको यहां पर ये डोनेट करता है, मतलब रिंग को ये डोनेट करने लगता है, तो डोनेट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से अब हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आने के कारण से यहां का अब दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकता है, तो ये टूटेगा, ये टूटकर यहां पर आता है, सॉरी यहां पर नहीं, ये टूटकर यहां पर आ जाएगा, और फिर बाकी बाकी एज इट इज रहेगा। तो यहां पर लोन पेयर आ जाएगा, यहां पर मतलब ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और बाकी जीवगत्यो रहने वाला है। ठीक, फिर क्या होता है आगे, जब ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बनाता है, तो फिर से दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकता है। एक स्ट्रक्चर और मैं बता देता हूँ, वीडियो लेंथी होगा, मैं इसको क्यूट कर दूंगा। ठीक, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट कर कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है। ठीक, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा यहां पर, बाकी जो करते रहेगा ये डबल बॉन्ड ओ करके ही रहेगा, ये OH है, ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अलग अलग होगा। ठीक, इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पर OH, ये OH। ठीक, इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर। तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर ये वाला पोजिशन क्या होता है, आर्थो होता है, और ये वाला पोजिशन पैरा होता है। ठीक, यहाँ पर जो मेटा पोजिशन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। फिर आगे जब इसको रोटेट करेंगे तो अगला यहाँ पर निगेटिव मिलेगा अपने को, तो कहां कहां पर निगेटिव मिल रहा है ओवरऑल देखते हैं। तो आर्थो पोजिशन पर, ये दोनों आर्थो पोजिशन, ये दोनों मेटा पोजिशन, और ये पैरा पोजिशन, तो आर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर ही अपने को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। ठीक, तो अब ये जो HNO3 से अपने को क्या मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन मिलता है, ये नाइट्रोनियम आयन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करता है, तो कहां कहां पर अटैक कर सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और पैरा पोजिशन पर। ठीक, तो वहीं पर ये अटैक करेगा। अब अपना यहां पर जो क्वेश्चन देता है वो बोला गया है डाइल्यूट HNO3 पर, मतलब नाइट्रोनियम आयन की सांद्रता बहुत कम है, बहुत कम है, तो एक ही पोजिशन पर वो अटैक करेगा। ठीक, तो कौन सा पोजिशन पर अटैक करेगा, आर्थो पोजिशन पर, क्योंकि आर्थो पोजिशन पहला ही यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक, तो आर्थो पोजिशन पर ये जाकर क्या करता है, अटैक करता है, तो अपना जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, OH और यहां पर आ जाएगा NO2। ठीक, क्लियरली समझ में आया होगा। तो यहां पर कौन सा उत्पाद बन रहा है आपके पास, देखिए आर्थो वाला उत्पाद अपने पास मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में चेक कीजिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में कुछ इसी प्रकार से उत्पाद मिल रहा है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 पर, कॉन्सेंट्रेट HNO3 जब लेते हैं तो ठीक, यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3, तो अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते हैं तो इसको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से ट्रीट करते हैं इसको, तो उसको ट्रीट करने के पश्चात कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते हैं तो जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पोजिशन रहता है सब पर क्या कर देता है, HNO2 को जोड़ देता है।
तो अगर ये वाला कंडीशन मिलता कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ पर NO2 रहता, यहाँ पर NO2 मिलता अपने को, और यहाँ पर भी NO2 मिलता, जो कि देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते तो सी ऑप्शन, डाइल्यूट HNO3 लिए हैं तो बी ऑप्शन। क्लियर दिस, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बात किया गया है, बोला गया है कि क्षारीय मृदा धातु का जो हाइड्रोक्साइड है, निम्न में से कौन सा ज्यादा बेसिसिटी क्षारकता प्रबल शो करेगा, प्रबल क्षार है या ज्यादा क्षारकता शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट, और ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो आपको देखेंगे, यहां पर देखिए बेरिलियम दिया है, दूसरा में मैग्नीशियम दिया है, तीसरा में कैल्शियम दिया है, चौथा में बेरियम दिया हुआ है, मतलब ग्रुप के हिसाब से ही दिया है, ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कुछ इसी प्रकार से ऑर्डर में ये मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड के बारे में, हाइड्रोक्साइड, इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो क्षारकता कब शो करता है, हाइड्रोक्सिल आयन जब मिलता है किसी सोल्यूशन पर तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्षार के बारे में बात करते हैं, क्षार बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो जितना इजिली से OH को डोनेट करेगा, रिमूव करेगा, वो उतना ही ज्यादा क्षारकता शो करेगा, मतलब अर्थात बोलने का मतलब ये है कि वह उतना ही ज्यादा प्रबल क्षार होगा। तो हम बात करते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए आप ध्यान से, ये क्या होता है, ये सेकंड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, और ये सिक्स आवर्त में आता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, तो ये दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, और ये छठवा पीरियड में आता है। ठीक, तो साइज बड़ा हो रहा है, यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है, साइज इसका बड़ा होते जा रहा है, मतलब यहां से जो नाभिक से हाइड्रोक्सिल आयन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, जो डिस्टेंस बढ़ने के कारण से हाइड्रोक्सिल आयन इजिली रिमूव हो जाता है, इस कारण से ये जो बेरियम साइज बड़ा होने के कारण से, यहां से हाइड्रोक्सिल आयन इजिली रिमूव होने के कारण से इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वह ज्यादा प्रबल क्षार शो करेगा। ठीक, ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला मजेदार क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं, ये क्या बोलता है, ये बोला गया है इसमें 2,5 करके लिखा गया है, एक्चुअल में ये रहना था 2S। ठीक, जो पढ़े रहेंगे उसको इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन करना ही पड़ जाता है, कहीं ना कहीं प्रिंट मिस्टेक रहता है क्वेश्चन में, ये 25 दिया हुआ है, आपको देख रहे होंगे, तो 25 ना होकर क्या है वो 2S है। तो 2S कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय समय क्या होगा, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2S ऑर्बिटल इज, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और ये कहां से निकालते हैं, हम क्वांटम नंबर से निकालते हैं, तो क्वांटम नंबर में जो एजोमेथल क्वांटम नंबर होता है, जिसको एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हम देते हैं। ठीक, और एल आपको क्या बता रहा है, द्विगंशी क्वांटम संख्या या एंगुलर जो क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू बताता है, आपको पता ही होगा 0 को हम एस बोलते हैं, 1 को पी बोलते हैं, 2 को हम बोलते हैं डी, और 3 को बोलते हैं एफ ऑर्बिटल, कुछ इसी प्रकार से आप पढ़े होंगे। ठीक, यहाँ पर एस ऑर्बिटल दिया हुआ है, मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो बस 0 रखते हैं यहाँ पर, 0 0 प्लस 1, एल के जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा पूरा का पूरा 0 कर देगा, 0 कर देगा, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोलता है, कौन सा HCl तथा HNO के साथ अभिक्रिया करता है, अब बताइए आप ही सोचिए, एक दिया है HCl जो कि एसिड है, और दूसरा है HNaOH, मतलब एक क्षार दिया है आपको और एक दिया है एसिड, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिया गया है, के साथ अभिक्रिया करता है, विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, और बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं वही कंपाउंड इस दोनों से एसिड और बेस से रिएक्ट कर सकता है जो एम्फोटेरिक नेचर का हो। तो यहां पर चेक करते हैं एम्फोटेरिक नेचर, जो ऑप्शन में देखिए आप, तो यहां पर देखिए पहला CO2 दिया है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है, N2O5 बिहेवियर एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ZnO के बारे में बात करते हैं इसको छोड़िए, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं ZnO, तो यहां पर देखिएगा तो ये क्या करता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ZnO, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा मेथाइल आयोडाइड एवं एथिल आयोडाइड देते हैं, क्या देता है, किसके साथ, ऊर्जा अभिक्रिया के साथ,
ऊर्जा अभिक्रिया में हम मेथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड को का रिएक्शन देखते हैं। ठीक, तो मैं ले रहा हूं यहां पर मेथिल आयोडाइड, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, मेथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड। ठीक, ये इस प्रकार से लिया है, मेथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड ऊर्जा अभिक्रिया में क्या देंगे। तो ऊर्जा अभिक्रिया के लिए क्या होता है, हम क्या लेते हैं, एक इथर का मीडियम लेते हैं, इधर का मीडियम लेते हैं, माध्यम लेते हैं, मतलब सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करते हैं, और यहाँ पर कोई मेटल लेते हैं। ठीक, सोडियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, या आप एजी भी ले सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ही लेना जरूरी है, कोई भी मेटल लो, आप मेटल लेते हैं, कोई से अभी इसमें से एक मेटल लेते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से जो आई होता है उसको निकाल देता है, बाहर निकालता है, और यहाँ पर जो एल्केन होता है, एल्केल ग्रुप, उसको आपस में कंबाइन करता है। तो ये किस प्रकार से कंबाइन करेगा, या तो ये मेथिल मेथिल को कंबाइन कर सकता है, या तो एथिल एथिल को भी कंबाइन कर सकता है, या तो मेथिल और एथिल का दोनों को आपस में कंबाइन कर सकता है इस रिएक्शन के दौरान। ठीक, तो यहां पर देखिए मेथिल का मेथिल मेथिल करके क्या बनाएगा, मेथिल मेथिल करके क्या बन जाएगा, यहां पर एक कार्बन दो कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा। ठीक, मतलब एथेन, सॉरी ये एथेन हो जाएगा। ठीक, यहां से देखते हैं ये दो कार्बन टोटल मिला के चार कार्बन मतलब ब्यूटेन। ठीक, यहां पर एक कार्बन और यहां पर दो कार्बन, मतलब टोटल मिला के तीन कार्बन मतलब प्रोपेन। ठीक, ऑप्शन में चेक कीजिए क्या दिया है, प्रोपेन भी दिया है, एथेन भी दिया है, ब्यूटेन भी दिया है, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है उपर्युक्त तीनों का मिश्रण, मतलब ऑप्शन अपना क्लियरली समझ में आ गया होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। ठीक, अगला देखते हैं, निम्न अभिक्रिया के क्रमों पर विचार करना है आपको, और देखिए ये रिएक्शन दिया गया है, एक एसिड क्लोराइड किसमें चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड फिर किसमें चेंज हो रहा है, देखिए समझिए कौन सा रिएक्शन है, मैं बता देता हूँ ये कौन सा रिएक्शन आपको दिख रहा है। ठीक, तो पहला इसमें देखिए जो जहां पर दिख रहा है आपको एसिड क्लोराइड सॉरी यहां पर पूरा ही बना देता हूं, CH3COCl, और यहां पर एक्स लेते हैं और एक्स लेकर CH3CHO में चेंज हो रहा है। ठीक, आप देखिए ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, देखते ही आपको ऐसे तो जल्दी समझ में आ गया होगा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रोजेनमुंड। हाँ सही पहचान रहे हैं आप, ये रोजेनमुंड रिएक्शन है, जिस पर हम क्या लेते हैं, कैटलिस्ट के रूप में हम लेते हैं पैलेडियम, और वहां पर एक उत्प्रेरक विष होता है, उत्प्रेरक विष के रूप में क्या लिया जाता है, बेरियम सल्फेट। ठीक, तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, पीडी और बेरियम सल्फेट। ठीक, अब इसमें देखेंगे एक्स ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में जाते हैं तो सीधा सीधा क्लियरली समझ में आ गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सही आंसर होगा इसका, लेकिन फिर भी आगे हम बात करते हैं इसको फिर किसे ट्रीट किया गया है, इसको ट्रीट कर रहा है वाई से। ठीक, और वाई से ट्रीट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है अपने को CH3CHOH और CH2CHO। तो देखेंगे आप यहां से देखिए तो ये कि आपको फिर से देखेंगे यार, यदि यहां पर मैं CH3 रखता तो ये CH3CHO, यहां पर CH3CHO, तो यहां का जो हाइड्रोजन है यहां पर आ गया है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहां का हाइड्रोजन कहां गया है, यहां पर आ गया है। ऐसा कौन सा रिएक्शन है यहां पर जो इस प्रकार से प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब यहां पर CH3 का दो मोल आपस में क्या हो गया है, एडिशन रिएक्शन दे रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। ठीक, सही पहचान है आप, इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, कंडेंस हो रहा है यहां पर, ये एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है, जब हम कोई एल्डिहाइड में, मतलब जैसे कि हम क्या बोलते हैं, सॉरी एल्डिहाइड में हम कोई तनु क्षार का यूज करते हैं, कोई बेसिक मीडियम लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक मीडियम कर देते हैं, तो भी क्या हो जाता है, आपस में कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन दो मोल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaOH, जिसको आप देख सकते हो डाइल्यूट करके दिया हुआ है, आप सब में चेक करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। ठीक, अब फिर हम क्या करते हैं, यहां से एक मोल जल का निकाल दिए HOH, और यहां से H निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक, क्रोटोनेल्डिहाइड, आप पढ़े होंगे क्रोटोनेल्डिहाइड, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली गर्म कर देते हैं, या तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लेंगे, वहां पर भी जल बाहर निकल जाएगा, गर्म कर लेंगे सिंपली, इस प्रकार से आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से FF-OO2-, ठीक ये दिया हुआ है और बोला गया है आपको कि इनमें से निम्न में से त्रिज्या का इसका जो रेडियस का ऑर्डर है वो क्या होगा। ठीक, तो हम इसको देखते हैं, जैसे कि F और F-, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि न्यूट्रल F के बारे में बात करते हैं,
ये न्यूट्रल f जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक, ये तीन और तीन तीन छह सात, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक। f माइनस के बारे में बात करेंगे तो f माइनस को क्या करेगी, जैसे कि f माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो रहा है, तो क्या करेगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर होता है, तो इंटर होने के कारण से ये आपस में क्या करेंगे, रिपल करते हैं दूसरे को, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करने के कारण से इसकी त्रिज्या थोड़ी सी न्यूट्रल एटम के बजाय थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अब यहां से क्लियरली समझ में आ गया होगा यहां पर क्या हो रहा है, इसका जो रेडियस है एफ माइनस का ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम ये माइनस चार्ज एटम, तो इसका जो रेडियस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। बात करेंगे O2 और O2- पर, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा, माइनस चार्ज है तो बड़ा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो छोटा हो जाता, ध्यान में रखिएगा ठीक। अब इसमें हम फिर से देखते हैं, इसमें बात करते हैं आवर्त में ठीक, एक ही आवर्त का है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, जैसे हम इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण से क्या होता है, नाभिक न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, नाभिक नाभिक अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से रेडियस क्या होता है, कम होता है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का रेडियस ज्यादा होगा कंपेयर टू फ्लोरीन। अब इतना क्लियर हो गया, अब इसको अरेंज कैसे करना है आप देखिए, यहां पर जो अगर कॉन्सेप्ट ऐसा सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगभग मिलता है तो हम ध्यान रखेंगे यहां पर कि जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे तो O2- का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद F- का आ जाएगा क्योंकि ये दोनों में किसका है ये है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का आएगा, उसके बाद फ्लोरीन का आएगा ठीक। इस प्रकार से इसके लिए ऑर्डर मिलने वाला है ठीक। ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें बोला गया है आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए, सही जोड़ी मिलाना है आपको, मैच द फॉलोइंग टेबल, और इसको कैसे मिलाना है आपको, तो इसमें से जो इजी पॉइंट है उसको आप पकड़ सकते हो, वैसे तो सभी इजी दिया हुआ है यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर, तो एक जो गामा करके सीपी बाई सी भी दिया हुआ है बहुत ही फेमस है, इसको हम बोलते हैं पॉइसन रेशियो ठीक, पॉइसन रेशियो बोलते हैं, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, बी का आ रहा है 4, इसमें दो ऑप्शन आपके पास फंस रहा है तो और दूसरा देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में पाई 1 बराबर पाई 2 और ये बनना आता है पाई 1 बराबर पाई 2 क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए होता है सम परासरी ठीक। तो यहां पर देख सकते हो जो डी का जो ऑप्शन आएगा पहला आएगा, तो उस आधार पर देखते हैं, तो यहां पर आपका जो डी ऑप्शन है दोनों में फंस रहा है बी और डी में, तो अगला एक और देख लेते हैं, इसमें ट्राउटन रूल और किरचॉफ रूल, तो किरचॉफ रूल आप सभी को पता होगा, डेल सी भी इज इक्वल टू क्या हो जाता है डेल एच या तो डेल ई भी रहता है और डेल टी कुछ इस प्रकार से रहता है यहाँ पर डेल टी, तो आप इसको ले सकते हो, ये क्या बोल, ये क्या कौन सा रूल है, ये किरचॉफ रूल है, तो उस हिसाब से हम इसको कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बोलता हूँ, जो यहाँ पर मैच फॉलोइंग में दिया गया है ए का क्या है ना आएगा उस हिसाब से, ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 4, सी का आ जाएगा 2 और डी का आएगा 1 ठीक। इस प्रकार से अगर मैच को करेक्ट करते हैं कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत मजेदार है और बहुत किस प्रकार से दिया है समझ नहीं आया क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूं कैसे समझ नहीं आया, इसमें जो दिया गया है आपको एक काइनेटिक बेस्ड रिएक्शन दिया गया है जिस पर आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर दिया हुआ है ठीक। आपको बोलता है यहां पर एक रिएक्शन है जिसके लिए ई ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 और दूसरा दिया है एक 290 केल्विन पर जो वैल्यू दिया गया है 10^-2 सेकंड सिर्फ सॉरी पर सेकंड दिया हुआ है और 310 केल्विन पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार से पूछ रहा है ठीक। अब इसको देखिए तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा खराब क्वेश्चन है, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, एक तो कभी भी कोई रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं हो सकता, अगर एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं अगर क्या बोलते हैं अरहेनियस इक्वेशन के आधार पर बात करते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से होता है एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर पी, अरहेनियस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से देते हैं ठीक।
अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर देता हूं, ई टू दी पावर जीरो, ई टू दी पावर जीरो करूंगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, एक। तो हम बोल सकते हैं के बराबर ए, ठीक, जो कि कभी भी संभव नहीं है। के इज इक्वल टू ए कब के कंडीशन में आता है, उस कंडीशन में ही लेते हैं जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं, टक्कर का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो प्रत्येक टक्कर से क्या होगा, उत्पाद बनेगा। लेकिन आप पढ़े होंगे कि प्रत्येक टक्कर से उत्पाद संभव नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, उपयुक्त दिशा में टक्कर होना चाहिए, टक्कर इतना सफिशियंट एनर्जी पैदा करे कि वो सक्रिय एनर्जी एनर्जी को जो बैरियर होता है उसको पार कर सके। ये प्रत्येक टक्कर से संभव नहीं है, इसलिए कभी भी कोई रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला होता है यहाँ पर के इज इक्वल टू के वन बाई के टू, ये लॉग में हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए बाई आर टी, और ये हो जाएगा के टू माइनस टी वन बटे टी वन टी टू, कुछ इस प्रकार से होगा। इसको अगर जीरो कर दोगे तो पूरा का पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत है। एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, 290 और 310, ठीक। आपको पता होगा कोई रिएक्शन का टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट लगभग लगभग दो गुना बढ़ जाता है। तो उस आधार पर आप देखो 290 से 300 में जाओगे तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 टेम्परेचर का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 10, ठीक। तो यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ाएंगे तो यहां पर लगभग दो गुना हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसका पर दो का गुणा कर दूंगा, ठीक, जो रेट कांस्टेंट है। फिर यहां पर 300 से हम 310 पर जाते हैं तो फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंजेस हो रहा है, फिर से दो गुना बढ़ेगा, तो फिर से हम यहां पर दो का गुणा कर देंगे। तो उस आधार पर हम देखेंगे 2 × 2 × 2 मतलब 8 हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। लेकिन यहां पर उस आधार पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही आना चाहिए। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो दिया गया है, जिस पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए। साधारण हाइड्रोजन में पैरा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, साधारण हाइड्रोजन में पैरा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, और वो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ताप कम करने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर और ताप को कम करने पर, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई कंडीशन होता ही नहीं है, ठीक। तो अब मेरे को चेक करना है क्या, देखिए जब हम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जीरो केल्विन पर, ठीक, जीरो केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हो यार, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कंडीशन में जो पैरा हाइड्रोजन होता है वो 100% होता है। क्या होता है, 100% क्या पाया जाता है, पैरा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, पैरा हाइड्रोजन की संख्या क्या जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है, और हम रूम टेम्परेचर पर आते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो रूम टेम्परेचर पर आते हैं तो ये 75% क्या हो जाता है, ये पैरा हाइड्रोजन हो जाता है, और 25% आर्थ्रो हाइड्रोजन मिलता है, ठीक। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए पैरा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है तो कब बढ़ेगी, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तब ना। तो यहां पर क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कम करते हुए चलते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर 100% पैरा हाइड्रोजन है, टेम्परेचर को बढ़ा दिए हैं, रूम टेम्परेचर पर आए तो पैरा हाइड्रोजन, सॉरी ये यहां पर एक मिनट, हाँ ठीक है, ये पैरा हाइड्रोजन नहीं, ये आर्थ्रो हाइड्रोजन हो जाएगा और ये पैरा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक, इसको करेक्ट कीजिएगा। 75% क्या हो जाता है, आर्थ्रो हाइड्रोजन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पैरा हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अम्ल में पीपी बंध उपस्थित है, विच एसिड हैज पीपी लिंकेज। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के जो फॉर्मूला होता है H2PO3, जो कि डाइमर के रूप में पाया जाता है, तो डाइमर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं H4P2O6। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के लिए फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, लेकिन कभी ये फ्री फॉर्म में नहीं होता, ये डाइमर के रूप में पाया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से अपने को देना है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड के लिए जो फॉर्मूला होता है HPO3, और आर्थोफॉस्फोरिक, आर्थोफॉस्फोरिक में कुछ नहीं यार, ये फॉस्फोरिक एसिड ये कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं H3PO4, इसी को ही आर्थोफॉस्फोरिक ही बोल दिया जाता है। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है H4P2O7, ठीक, इस प्रकार से होता है। तो हम तो यहाँ पर ये दोनों को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीपी बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पी का जो संख्या है सिंगल ही है,
और पहला और दूसरा ऑप्शन में देखते हैं यहां से तो देखिए यहां पर पी दो बार है ठीक। अब इसमें आप कंपेयर करेंगे यहां पर ओ सिक्स ओ सेवन यहीं से क्लियर हो जाता है किसमें होगा इसमें पाया जाएगा क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो दोनों पी के बीच में आकर फंसेगा ठीक। यहां पर देखिए एक तो आप ये निकालते हैं उसके बाद दो पी है दोनों के लिए मैं ओ निकाल देता हूं ठीक। बाकी को हम ओएच ओएच लिखते हुए चलते हैं कुछ नहीं यार यहां पर ओएच ये हो गया इसमें भी ओएच डाल दिए कितना चार है ना तो यहां पर मैं एक और ओएच डाल देता हूं यहां पर ओएच डाल देता हूं तो देखिए यहां पर तीन और तीन छह छह ऑक्सीजन और चार ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है चार ऑक्सीजन तीन और तीन छह ठीक छह ऑक्सीजन हो गया है एक ऑक्सीजन बचा हुआ है चारों हाइड्रोजन खत्म हो गया वो क्या करेगा दोनों पी के बीच में आ जाएगा ठीक। यहाँ पर पी पी वन नहीं मिला यार अपने को तो यहाँ पर क्या करते हैं देखिए इसमें स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन की संख्या चार है पी की संख्या भी दो है और ऑक्सीजन की संख्या छह है यहाँ पर सात था जिसको हम इसी के बीच में घुसाए थे अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर ये डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है उसी में ही पी पी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगला देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक अभिक्रिया में साम्य स्थापित होता है जब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा या रिएक्शन अटेंड इक्विलिब्रियम व्हेन फ्री एनर्जी चेंज जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा मतलब हम बोल सकते हैं या तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन में है ना ही ये स्पॉन्टेनियस कंडीशन में है दोनों तरफ का डायरेक्शन जो स्पीड है वो चेंज हो चुका है तो इसलिए एनर्जी ना तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा इसलिए क्या हो जाएगा जीरो हो जाना है ठीक। मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो जाएगा। अगला देखिए किसी प्रक्रम का रुद्धोष्म दशा में संचालित होने के लिए सही दशा है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज करेक्ट कंडीशन क्या होगा रुद्धोष्म एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं ना तो ऊष्मा दी जाती है ना तो ऊष्मा ली जाती है तो यहां पर क्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक। क्यू इज इक्वल टू जीरो। BF3 की संरचना फिर से वही क्वेश्चन जो कि सबसे शुरू में बात किया हूं आप वैसा ही बनाइएगा इजिली सॉल्व हो जाएगा और इसके लिए जो आंसर आएगा समभुज त्रिकोण इक्विलेटरल ट्राइंगल आंसर इसके लिए सही होगा ठीक। अब एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन फंस रहा है इसको देखते हैं कैसे निकालना है अपने को ठीक। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 9.65 एम्पीयर इज पास्ड फॉर 3 आवर कोई सॉल्यूशन है निकिल इलेक्ट्रोड इन 0.5 लीटर ऑफ 2 m सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है जिसका वो लिया गया है सांद्रता 2 मोलर है और यहां पर उसका जो वॉल्यूम लिया गया है वो 0.5 लीटर है ठीक। उस पर हम 9.65 एम्पीयर का करंट पास करते हैं 3 घंटे के लिए 3 आवर के लिए तो बोल रहा है द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस तो जब हम करंट पास करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा घटना होगा इलेक्ट्रोलिसिस की घटना के बाद इसका जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है ठीक। कैसे सॉल्व करें माइंड बहुत घूम रहा होगा कैसे सॉल्व करना है कुछ नहीं यार जो फैराडे का रूल जो होता है बस वही अप्लाई करना है और फैराडे का रूल जो क्या बोलता है किसी सॉल्यूशन में हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो 1 फैराड से 1 ग्राम इक्विवेलेंट उस मेटल का जो वेट होता है वो डिपॉजिट होता है क्या मिलता है अपने को 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट मिलेगा। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है उसको समझना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है छोड़िए उसको क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं इसको क्या होता है कैसे होता है ठीक। तो यहां पर बोला गया है आपको जो 9.65 एम्पीयर का करंट है उसको पास किए कितने देर के लिए 3 घंटा के लिए यहां पर कितना आवेश हम यहां पर प्रवाहित किए होंगे कितना आवेश दिए होंगे ठीक। तो Q इज इक्वल टू हम कर सकते हैं IT तो I यहां पर 9.65 दिया है और समय दिया है 3 घंटा तो यहां पर अपने को सेकंड में रखना पड़ेगा ध्यान में ये रखिएगा सेकंड में रखना है तो सेकंड में रखने के लिए हम क्या करेंगे 60 ये तो अब हो गया मिनट में सेकंड में चेंज करने के लिए एक और बार मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं अभी आ जाएगा सेकंड में मतलब ये कूलाम का जो कूलाम वैल्यू पर इसका जो वैल्यू मिलेगा मैं कैलकुलेट कर चुका हूं ऑलरेडी और उसी को लिख रहा हूं ताकि वीडियो लेंदी ना हो 104 आप कैलकुलेट करके देखिएगा कैलकुलेटर यूज करना चाहें कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि और जल्दी से इजिली इसको सॉल्व कर सकें।
तो यहां पर ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू इतना कूलाम हम यहां पर पास किए। ठीक, एक फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे से एक ग्राम इक्विवेलेंट अपने को मात्रा मिलेगी, उतना डिपॉजिट मिलेगा। तो ये कितना फैराड है, ठीक ये कितना फैराड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, किसको, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना फैराड है ये अपने को पता चल जाएगा। ठीक, तो मैं यहां पर कर रहा हूं 104220 डिवाइड बाय 96500, ये अपने को फैराड मिल गया। कितना फैराड है इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, और यहां पर देखते हैं कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए यहां पर 2 लिखा हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कॉपर 2 प्लस, मतलब यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 96,500 से मिलेगा। ठीक, लेकिन 2 प्लस है तो पूरा 1 मोल परमाणु प्राप्त करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगा वो अपने को मिलेगा कितना ग्राम डिपॉजिट हो चुका है। ठीक, तो इतना ग्राम डिपॉजिट हो चुका है, ये अपने को मिल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये मिल जाएगा 54 मोल। ठीक, इतना ग्राम डिपॉजिट हुआ। ठीक, इतना ग्राम क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। अब देखिए 2 मोलर दिया है 0.5 लीटर में। ठीक, तो अगर हम इसको 1 लीटर बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, 0.5 लीटर दिया है, अगर हम इसको 1 लीटर बनाना चाहें तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा और पानी डाल देता हूं इसमें, आधा लीटर, यार आधा लीटर पानी डाल दिया तो ये हो जाएगा मोलर, इसका मोलारिटी चेंज होकर क्या हो जाएगा, 1 मोलर। ठीक, तो 1 मोलर के कॉन्सेप्ट में लेकर इसको चलना है अपने को, 0.5 लीटर में नहीं लेकर चलना। ठीक, 1 मोलर में, तो 1 मोल में हम इसको घटाते हैं किसको, जो डिपॉजिट हुआ है उसको, तो ये घटा दिए तो ये मिल जाएगा 0.46, कितना मिलेगा 0.46, कैलकुलेट करके देखिएगा। लेकिन फिर से आते हैं प्रॉब्लम में, 0.5 का ही कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक, 1 लीटर लेकर जो डिपॉजिट का मात्रा ना यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में चलता है, इसलिए मैं इसको क्या लिया हूँ, 1 लीटर, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है वो 0.5 में दिया है। ठीक, तो ये अपने को इतना क्या मिला, इसकी सॉरी यहाँ पर इतना ग्राम क्या हुआ, 1 ग्राम परमाणु से हम इसको घटाए तो इतना ग्राम परमाणु अपने को मिला। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसका जो कितना लीटर में प्रेजेंट है ये, तो ये 0.5 लीटर में प्रेजेंट है, तो 0.5 लीटर से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका मोलालिटी अपने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.92 मोलर पर ग्राम मिलने वाला है, हम मोल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसके लिए सही आंसर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से ही बनाते हैं यार, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को इस प्रकार से मिलता है, ऑप्शन नंबर देखते हैं तो 0.92 इसके लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बोला गया है उपकोष एल इज इक्वल टू 2, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी पॉसिबल इन सब सेल एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2, सॉरी थोड़ा सा, चलो एल इज इक्वल टू 2। तो एल इज इक्वल टू 2 हम कब के कंडीशन में बोलते हैं, इसके लिए एल का वैल्यू 2 कब होता है, इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के लिए हम एल बराबर 2 लेते हैं, और आपको पता होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर चलते हैं तो डी के लिए क्या मिलता है, 5 अभिविन्यास ओरिएंटेशन प्राप्त होता है, एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 ओरिएंटेशन में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, 60 से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 10 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ब्रोमीन युक्त कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है जिसका 0.3 ग्राम से 0.24 ग्राम AgBr मिलता है अपने को, ब्रोमीन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके उससे अपने को क्या मिल रहा है, 0.24 ग्राम AgBr मिल रहा है सिल्वर ब्रोमाइड, तो यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला को रट्टा मार लीजिए आप, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं तो उसमें भी इस पर बात किया था, उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाया था प्रोसीजर वाइज, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, इससे कैसे निकालेंगे आप, तो यहां पर देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम ले लेते हैं 80/188 AgBr का मास और यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ऑर्गेनिक
कंपाउंड का मास, स्याही डालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में मैं स्याही डाल रहा हूं, आप मैनेज कीजिए इसको। तो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। परसेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पर 80 आपको क्या बता रहा है, 80 ब्रोमीन का वेट है यार, और 188 यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर एक मिनट, AgBr। ठीक, यहाँ पर 80 क्या बता रहा है आपको, ब्रोमीन का वेट दिखा रहा है, और 188 AgBr का वेट दिखा रहा है, और यहाँ पर AgBr का मास जो क्वेश्चन में दिया गया है ना वो लेना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लेना है। ठीक, तो AgBr का जो मास दिया गया है, रख लीजिए यहाँ पर 80/188, AgBr का मास क्वेश्चन में दिया गया है 0.24 ग्राम मिलता है अपने को, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया है 0.34 × 100। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने पर मिलेगा 34%, ऑप्शन नंबर ए।